शाहीन बाग के उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कुछ देर के बाद बुलडोजर चलने वाला है। हमारे साथ स्थानीय पार्षद वाजिद खान जी मौजूद है, तो बताया जा रहा है कि आज बुलडोजर यहाँ पर शाहीन बाग में चलने वाला है। देखिए, शाहीन बाग में बुलडोजर एमसीडी के अधिकारी यहाँ पे आने वाले हैं। जो आज की डेट लगाई थी एक इंक्रोचमेंट रहे, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। जब इंक्रोचमेंट नहीं है तो यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं? तो इंक्रोचमेंट के लिए एमसीडी का दस्ता यहाँ आने वाला है। हम उसी के लिए यहाँ खड़े कि किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट यहाँ पर अगर है, इलीगल है, तो उसे हटाया जाए। लेकिन अगर इंक्रोचमेंट नहीं है तो उसे किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने देंगे। यहाँ पर कर रहे हैं बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप स्थानीय लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ काम ही है कि वो चाहते ही कहीं ना कहीं हर किसी को बदनाम चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं बदनाम करें, कि एमसीडी को भड़का रहे। कौन से लोगों को भड़का रहे? मैंने ये कहा, सारे टीवी के माध्यम से मैंने अभी कहा है कि अगर इंक्रोचमेंट है तो हम उसे खड़ा होकर कराएंगे यहाँ पे। अगर इंक्रोचमेंट नहीं है, पेपर देख लें, पीडब्ल्यूडी का रोड है, कितनी रोड, कितनी चौड़ाई है रोड की, तो उसे हमें डिफाइन करें और जो इलीगल है सही क्रो में इंक्रोचमेंट को हटाएंगे। अगर नहीं है तो गलत नहीं होने देंगे। ये तो वाजिद खान जी जो कि बता रहे हैं कि अगर अतिक्रमण होता है इलाके में तो वो मिल करके अतिक्रमण को हटाने का काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। टीटीपी भारत के लिए